कोरोना महामारी के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय एमएलएसएम कॉलेज में कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इस कम्युनिटी किचन का किया निरीक्षण। सांसद ने किचन में घूम घूम कर पकाए जा रहे भोजन की क्वालिटी देखी, भोजन कर रहे लोगों से खाना की गुणवत्ता जानी। इस दौरान कुछ लोगों ने सांसद से कम्युनिटी किचन में अव्यवस्था और गरीब से दुर्व्यवहार की शिकायत की। वहीं सामुदायिक किचन के इंचार्ज कन्हैया कुमार देव ने कहा कि 7 दिनों के लिए अलग अलग मेनू के अनुसार भोजन तैयार किया जाता है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि जिला के सभी प्रखंडों में कम्युनिटी किचन खोले गए हैं। इन्होंने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया कि इस प्रकार का यहाँ व्यवस्था हो रहा है और लोगों को भोजन कराया जा रहा है, जो अच्छी बात है। सांसद मोहने घूम घूम कर लोगों से बात की। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। आते हैं तो आधा आधा घंटा जैसे हम लोगों को वेट करवाया जाता है और भीड़ में जैसे गैदरिंग में सटा सटा करके जैसे और बोलते हैं तो उस रोज हमको यहाँ से निकाल दिया गया। खाना पर समय के कैलाश जी थे, बोले कि यहाँ से जाइए आप, जैसे खाना नहीं मिल रहा। कैलाश जी कौन है? क्या नाम हुआ? जनाब सर, क्या समस्या हुई थी आपको? खाना के लिए सर बोले हुए। क्या कहा गया आपसे? बोला कि जाइए। जैसे यहाँ कम्युनिटी किचन चला रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से गुणवत्ता के साथ यहाँ भोजन कराया जाता है लोगों को। यहाँ का खाना निर्मित होने के बाद 12-13 जगह जो शहर का है चिन्हित जगह, वहाँ भी लोगों को खिलाया जाता है, पहुँचाया जाता है पैकेट बना करके। और काफ़ी सजग है हम लोग, जिला प्रशासन काफ़ी सजग है। क्या क्या खिलाते हैं खाना में? 7 दिन का अलग अलग मेनू बना हुआ है, एक ही खाना हम लोग सब दिन नहीं देते हैं। सब्जी का अलग अलग सब्जी देते हैं हम 7 दिन। क्या क्या देते? कभी हैं? हरी सब्जी देते हैं, कभी सोयाबीन देते हैं, कभी चना देते हैं, बृहस्पतिवार को हम लोग खीर भी देते हैं। सामुदायिक किचन यही नहीं, जिला के अंदर में अब तो प्रखंड स्तर पर सामुदायिक किचन व्यवस्था की गई है। कल हम मनिगाछी दादी भी गए हैं और अनुमंडल स्तर पर भी है। और यहाँ आज हमने जो निरीक्षण किया है तो हमको पता चला जो 500 लोग प्रतिदिन यहाँ पर लगभग करके काम फाजिल करके लोग आते हैं और सारा व्यवस्था सरकार के जो एजेंसी है मेहनत से दिन रात एक करके लगे हुए हैं। और आपने देखा ही होगा जो हम एक एक करके लोगों से पूछे हैं, जो भाई नमक कैसे है, तेल की स्थिति क्या है, दाल कैसे है, चावल क्या स्थिति में है, सब ने कहा जो बहुत बढ़िया व्यवस्था सरकार द्वारा यहाँ के प्रशासनिक लोगों के द्वारा किया गया है और लोग में काफ़ी प्रसन्नता है। कहीं लोगों को सरकार की मंशा है कोई भूखे राज्य के अंदर में नहीं रहे, उसके लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है